Assalamu alaikum everyone. So we have Salman Ali Aga with us. So let's start the press conference. Sir, aap pehle kar le. असगर अली मुबारक हूँ मैं, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चौथे रोज़ मैच है वो फैसला कुन मरले की तरफ जा रहा है, तो कैंप में क्या आप सोचा जा रहा है, मैच को आप बचाना है कि जीतने की तरफ आपने आगे जाना है? नहीं, बिल्कुल ओबियसली मैच में हम तो काफ़ी इन हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं और कोशिश करेंगे इस मैच को जीतें, तो सोच भी कैंप में भी यही कहा जा रहा है और सोच भी यही रहे हैं इस मैच को इंशाल्लाह जीतना। सलमान, आप कह रहे हैं कि मैच में इन हैं, लेकिन जो सिचुएशन है लग रहा है कि जो डिसाइसिव मोमेंट्स होंगे उसमें आप ही कहीं अंदर होंगे, तो कैसा फील कर रहे हैं? जिस तरह आपने पहली इनिंग्स में बैटिंग की, तो जाहिर है इतनी बड़ी टीम के खिलाफ इतनी बड़ी सीरीज और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किस तरह सिचुएशन को फोर्सी कर रहे हैं? जी, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगर होपफुली कि हमारे जो बैट्समैन अभी खेल रहे हैं वही फिनिश कर दें, अगर बैटिंग आएगी तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ और कोशिश करूँगा जैसे पहली इनिंग में बैटिंग की है वैसे ही दूसरी इनिंग में बैटिंग करूँ, और अगर जैसे आप कह रहे हैं डिसाइडिंग मोमेंट आएगा तो उसको अच्छे तरीके से डील करूँगा और इंशाल्लाह टीम को मैच जितवाऊँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर 50। दिस इज बैराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। आपसे सवाल ये था कि आज सुबह काफ़ी प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेशन था और थोड़ा लंबा थोड़ा डीप लेकर जाना बहुत इसेंशियल था पाकिस्तान के लिए टू स्टे इन द गेम, और आप जिस तरह आकर आपने बैटिंग की 50 की, यू प्लेड रियली फ्रीली, आपने अपने आर्म्स भी एक्सटेंड किए, स्वीप की, रिवर्स स्वीप की और डाउन द ग्राउंड आए, गुड फुट मूवमेंट, तो लग रहा था जिस तरह आप बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं और रिलैक्स्ड हैं, तो किस तरह आपने इस प्रेशर के साथ कोप किया और आपकी जो बैटिंग आज थी इसका ये किस चीज़ का नतीजा था? जी बिल्कुल, पहले तो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है वो आपको हमारी ऐसी है जो वो आपको पूरा मतलब कहती है जिस तरह आप खेलते हो उस तरह खेलो, और मेरी गेम भी यही है, मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज़ रन्स की तरफ जाऊँ और अटैक करूँ, तो वही मैंने आज अप्लाई किया और कोशिश यही थी कि मैं मतलब उनके बॉलर्स पे अटैक करूं और कोशिश करूं कि उनको बैक फुट पर रखूं, और जब आप टेल के साथ खेल रहे होते हो तो आपके पास ये ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी आ जाती है कि आपको मतलब शॉट्स खेलने पड़ते हैं टू मेक रन्स, तो मैंने भी यही किया। थैंक यू सलमान। 1580 स्कोर चार दिनों में बन चुका है, 400 की एवरेज अगर देखी जाए, कल 260 के करीब स्कोर है, किस तरह आप इसको देख रहे हैं, किस क्या कैंप के अंदर क्या जीतने के लिए ऑल आउट चाहेंगे या पहले सेशन को देखेंगे, किस तरह देखेंगे? पॉजिटिविटी उन्होंने तो दिखाई है, एक चांस लिया है, ब्रेव डिसीजन है, आप लोग भी ब्रेवरी दिखाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों का अभी तक तो कैंप में यही बात है कि इस मैच को जीतना है, और ऑब्वियसली फिफ्थ डे है, दोनों का कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अभी तक जैसा भी पिच चल रहा है तो उस पर यही है कि डिसाइड तो यही है कि इंशाल्लाह जीतेंगे मैच और कोशिश भी यही करेंगे। सलमान, इंग्लैंड की काफ़ी बात हुई है कि वो कितना अग्रेसिवली खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपने भी आज बॉलिंग की थी तो अच्छा बॉलिंग कंडीशंस बीच में मुश्किल थी, आप कोई डिस्कशन थी कि रन स्कोरिंग को रोका किस तरह जा सकता है, क्योंकि वो बहुत स्पिन को भी पेस को भी वो बहुत अटैक कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे अपनी मर्जी से वो रन बना रहे हैं? जी, कोशिश यही रहती है कि जब ऑब्वियसली आज जब हम बॉलिंग स्टार्ट हमने की थी तो कोशिश यही थी कि जितने कम से कम रन उनको दें और कोशिश यही करें कि उनको मतलब फ्लुएंटली चौके या छक्के मारने को ना दिए जाएं, लेकिन ऑब्वियसली वो उनको भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, वो एक ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जो कि उसको वो मतलब पॉजिटिव क्रिकेट है तो आप उनको भी क्रेडिट देंगे, लेकिन यही है कि अभी जैसे उन्होंने मतलब ऑब्वियसली काफ़ी पॉजिटिव डिसीजन लिया है जो डिक्लेयर किया उन्होंने, तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीतें। अस्सलाम वालेकुम सलमान, आप टीम कैंप में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंग्लैंड पाकिस्तान को ये 343 का टारगेट और टी के ऊपर डिक्लेरेशन आएगी, या आप लोगों के लिए भी सरप्राइज था? नहीं सर, जिस तरह की क्रिकेट वो लास्ट 2-3 मंथ से खेल रहे हैं तो इस तरह की चीज़ एक्सपेक्टेड थी उनसे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मतलब इस टोटल के अराउंड हमें बैटिंग करवाएंगे, तो काफ़ी एक्सपेक्टेड थी। थैंक यू वेरी मच। वो अज़हर अली की